अच्छा भाई ठीक है, जिस तरह के व्लॉग्स बनाते हैं वैसे ही बना लेते हैं। थोड़ी सी मेहनत करके देखी थी मैंने, इतना मसला नहीं है। वो मैं टूर के लिए कुछ अपना एक्सपीरियंस कर रहा था, क्योंकि मैंने टूर पे जाना है और मेरे कुछ प्लान्स हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन अभी ये लो, सुन लो। ए फैम व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? सो गाइस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी? पढ़नी है, पढ़नी है। आज जुम्मतुल विदा है, टाइम से तैयार हो जाना बेटा। जुम्मतुल विदा नहीं, जुम्मतुल अलविदा, अलविदा बोलते हैं। अच्छा अलविदा बोलते हैं या जुम्मतुल विदा बोलते हैं? आप जल्दी तैयार हो जाइए। जी जी हो, कोई मुझे कोई शादी में थोड़ी जाना है, मुझे तो घर में ही रहना है। नमाज पढ़ के बस पढ़ने बैठूंगी मैं। पेपर में सिर्फ और सिर्फ पाँच नहीं, बस ईद के बाद का जो मंडे होगा ना, उस दिन से मेरे ना फाइनल पेपर है। सब मेरे लिए दुआ करिएगा प्लीज, जो जो एहतिकाफ में बैठे हैं, जो भी जहाँ भी है, मेरे लिए दुआ करें प्लीज कि मेरा रिजल्ट अच्छा है। ये क्या बात की तुमने, एहतिकाफ में जो बैठे हैं तुम्हारे लिए दुआ करें? तो एहतिकाफ में लोग मोबाइल थोड़ी यूज करते अच्छा। हैं पागल, दुआ कर जल्दी कबूल होती है। अगर आपके घरों में लोग एहतिकाफ में बैठे हैं तो उनको जाके मोबाइल दें और ये दिखा दें कि फिजा के लिए दुआ करो भाई। लेकिन टाइम बहुत कम है, हमें जुम्मे की नमाज पढ़ने जाना है। आज तो नया शलवार कमीज पहनूंगा और टोपी मैंने पहले से ही निकाल के रख ली है। सबको जो मैं पहनाता हूँ टोपी। बस मैं जल्दी से नहा धो के चेंज वेंज करके आया, फिर नमाज पढ़ने जाएंगे, फिर वापस आएंगे और फिर ठीक है जी। तो नहा भागे मैं तैयार हो गया। सबसे पहले तो आप लोग को जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो क्या, आखिरी जुम्मा है, रमजान खत्म होने वाले हैं, ईद आने वाली है और मैंने टूर पे भी जाना है। लेकिन उससे पहले अभी हमें जाना है नमाज पढ़ने। तो मेरा कुर्ता जो है ना, पता नहीं मम्मा ने सिलवा के दिया है, अभी मुझे इतना बड़ा लग रहा है और इतना बुरा लग रहा है। मैं जा रहा हूँ जरा नमाज पढ़ने, ठीक है? मैं नमाज वगैरह पढ़ के आता हूँ ना घर, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो बहुत ज्यादा ही बुरा हाल हो गया, आधे घंटे बैठा हूँ, इतना लंबा पुरवा दिया है गाड़ी साहब ने आज। और आज कोई गर्मी है, इतनी तड़पती हुई धूप हो रही है, मैं साफ रोड पे दिखाता हूँ, किसी देख के ही डरोगे। ये देखो कैसी गंदी धूप हो रही है आज। हाय अल्लाह। 5 मिनट्स लेटर। आवाज नहीं आ रही तुम्हें? है, मैं कब से खड़ा हूँ, अभी है गई। कॉल इधर दो, ये फोन लाओ। चलो ये काटा, गिर गई ना, सही हुआ। मैंने थोड़ी गिराया तुम्हें, खुद गिरी हो ना अपनी गलती में, क्यों भाग रही थी? अच्छा हुआ लगी लगी, और अच्छा हुआ। शायद आप लोग खुश हैं, इनके जुम्मे थोड़ी ना कबूल होंगे जो बहन से बदतमीजियां कर रहे हैं। दो शलवार कमीज खराब कर दूंगी नया, आपकी वजह से तैयार भी नहीं हुई। तो आप कौन सा गेट खोलने आ गई? चलो अब मजा आएगा ना। हाय, तुम तो मेरी जन्नत हो। हाय, I love you, AC. ये देखिए इनकी कॉल आ रही है। हेलो, क्या हो गया? फिजा? क्या हुआ फिजा? नहीं है बेटा। अच्छा फिजा भी बात करके, फिजा की जल्दी कहीं जानी चाहिए। आप ज्यादा नहीं बोलिए, आप अपना काम करिए। बुशरा मैं हूँ, नहीं है, मर गई फिजा। नहीं है कोई फोन वोन, जाओ जाके तैयार हो, नमाज वगैरह पढ़ो, फिर मिलेगा फोन। भाई मम्मा से बात करनी है। नहीं मम्मा से कोई बात नहीं हो रही, मम्मा आ रही है। अपने फोन से मिला के दे दो फिर। नहीं मैं नहीं दे रहा भाई, ओवर नहीं हो। अब कौन सा बैलेंस है? तो मैं व्हाट्सएप पर। अभी मुझे गर्मी लग रही है, अभी चुप हो जाओ, मैं आ कर रहा हूँ। वही सारी बातें तो मैं सोचा हूँ। नहीं मुझे रोजा लग गया ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर मुझे ना भूख लगती है। मैं नहीं चाहता कि मुझे भूख लगे, तो मैं सो रहा हूँ, ठीक है? उठता हूँ फिर मिलते, ठीक है? डन, ओके, बाय बाय। 2 hours later। हाँ जी, तुम लोग ना बदतमीज हो गए हो बहुत, पता है तुम लोग को? क्या झुमके पहन के तैयार हुई हुई है? क्या कर रही हो? रोजा तोड़ रही हूँ, रोजा क्यों गुनहगार बन रही हूँ? क्या हो गया फिजा, क्या हो गया? इसको आज बहुत रोजा लग रहा है, मैं सो रहा था, सोते से उठा उठा के बोलिए भाई मुझे पानी पीना है, भाई मुझे पानी पीना है, मुझे रोजा लग रहा है। ये पानी पानी रखो वापस। अबे यार मम्मा, पानी शाबाश रख दो। अब यहाँ बैठ जाओ तुम और मैं तुम्हें बांध देता हूँ किसी चीज से, तो मैं मगरिब के वक्त खोलूंगा, सही है? इफ्तारी में क्या बन रहा है आज?
इफ्तारी में मैंने तो अपना मैक्रोनीज देख लिया, भाव अपना देख लिया, मैं खुद बनाऊंगी अपनी इफ्तारी, आज मैं खुद बना रही हूँ। खाना चाहती है इफ्तारी? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत बुरी बात होती है अगर उनका रोजा खराब होगा तो। रोजा खराब की बात नहीं, इनको बनानी नहीं आती और ये मम्मा से बन पाएंगी। बदतमीजी नहीं फसूल की। अकेले में आज बहुत रोजा लग रहा है यार, मुझे अजीब हो रहा है मुझे भी आज। अलविदा है ना आज। अम्मा ये क्या करा आपने? ये खत्म हो गया फिर। ये मम्मा ने भी पी लिया। ये नहीं इसमें है, मैं दिखाऊंगा अगर मैंने अगर आज के अंदर रहता हम मुझे क्या देंगी। यार क्या हो रहा है यार, इफ्तार में क्या है मम्मा, कहाँ है? ये बन रहे मैगी और ये जो ऑयल है, नगेट्स की जगह मैं ही बैठ जाता हूँ। बहुत रोजा लग रहा है, क्या करूं। लियो का घर बना है, आप लोगों ने देखा है भाई? ये रहा इनका घर, अभी ऊपर मशीन पे नहीं चढ़ता, इनको खोलना हो तो ऐसे ही खोल देते हैं और ये आ जाते हैं, लेकिन अभी नहीं खोल रहे हम तुम्हें। है इनको मैंने टॉय दिया था, टेडी बियर दिया था क्यूट सा इनके खेलने के लिए, पर ये इस काबिल बिल्कुल नहीं है, इनको ना गंदे बच्चे हैं बहुत ही। इन्होंने देखिए दिखाई रुई है, पूरा टेडी बियर फाड़ दिया। पानी तो हम यहाँ पे इनको टेडी बियर और टॉयस आगे थे और ये माँ बाप का पैसा उड़ाएंगे। चला गया बिल्कुल, ये तो आप पे भी जा सकता है लेकिन जाने दूंगा नहीं। ओके आई एम वेटिंग फॉर इफ्तार, पता नहीं कब होंगी अजानें, आज तो अजानें भी नहीं हो रही। आज का रोजा मुझे बहुत लगा क्योंकि मैंने जुम्मे की नमाज पढ़ी और मैं जागा ज्यादा देर तक ना। बाकियों में ये हुआ कि जुम्मे की नमाज पढ़ते फौरन सो गया, एक मिस हो गई थी, बाकी दो तो पढ़ी थी। तो झूठे नहीं बोल रहा ना, क्या हो गया है, क्या 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 क्या। अभी जो करना है वो ये करना है कि इफ्तार करनी है, इफ्तार के बाद हमें जाना है बाल कटाने, क्योंकि चांद रात को जाएंगे तो हम फंस सकते हैं, हमारे दूसरे काम नहीं होंगे। तो अभी इफ्तार के फौरन बाद हम चलते हैं बाल कटवाने। तो भाई बस ये सीन है, जल्दी से चलते हैं इफ्तार पे, इफ्तार में रह गए होंगे कोई एक दो मिनट, जल्दी से इफ्तार कर दो, फटाफट से निकलते हैं। क्या बोल रही हो, लोगों से पूछ लो तुम क्या पूछना चाह रही हो। भाई टाइम से खुलता रोजा साथ, यहाँ पे मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? मैं कह रही हूँ अजान होगी तो बोलना भाई मैं। अभी वेट करो अजान का। ये क्या है अजान का वेट? लगा हो गई भाई अजान, हो गई हो गई हो गई हो गई। आज हम रोजा खोलेंगे लीची से। ठीक है जी, जल्दी से इफ्तार वगैरह करते हैं फिर निकलते हैं फटाफट से, टाइम बहुत कम है जी। तो इफ्तार भी कर ली थी, इफ्तार के बाद मैं नहा धो के फ्रेश भी हो गया था, अब मैं जा रहा हूँ बाल वगैरह कटवाने। बाल वगैरह कटवाए वहाँ से फिर देखते हैं क्या सीन है यार। अभी तो फिलहाल जो है कि वो दाढ़ी कटवानी और बाल कटवाने हैं, सही है? तो चलो मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ, तुम्हें कटवाने हैं क्या? Yes. कटवाने हैं तुम्हारी? Yes. पूरी पोनी उड़वा दूँ? Yes. Yes, इफ्तार करते ही चार्ज हो गई। Yes, 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 ओके ओके, मैं ये फोन साथ लेके जा रहा हूँ, सही है? ले जाऊँ? Yes, 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 strong on your lip. Wow, मेरे बाल खींच, मैं आ। तुम्हें बाल कटवाना पूरे? Shut up and bend over. जनाबे आलिया, हमारे बाल कौन काटेगा? आप यहाँ बाहर बैठे हुए हैं यार, बस अभी रोजा खोला था, थोड़ी सिगरेट वगैरह वगैरह पी लेते थे। गलत ये एक रश का माहौल हो जाएगा, उसके बाद टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ तो बस जल्दी से बाल कटवा लेते हैं आज। खैरी तक खुला होता है, सलून कोई भी आ सकता है। कितने बजे तक खुला होता है ये? खैरी तक। तो भाई बाल कटवाने तो बैठ गए, लेकिन ये बताओ शिव भाई कि हम बाल किस तरीके के काटेंगे? बाल ईद के हवाले से काटेंगे, कुर्ते के हिसाब से काटेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह हेयर कटिंग के बाद जरा लुक देखिएगा। चलो भाई, इन्होंने बोला ना हेयर कटिंग के बाद लोग देखेगा, तो इसका मतलब हेयर कटिंग के बाद ही देखेगा। हाँ वैसे वाकई बोला तो सही था कि कटिंग के बाद ही चेक करना। ठीक है जी, बाल वगैरह कटवा लिए, देखो फुल अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, हो गए हमारे इनके बाल वाल तो, लेकिन अभी आगे की चीजें वो कुछ रहती है, क्योंकि मैंने अभी तक शॉपिंग वगैरह नहीं, शॉपिंग नहीं करूंगा, शॉपिंग खुद ही घर पे चल के आ जाएगी, वो मसला नहीं। अब देखते हैं कहाँ चलना है कहाँ नहीं। ठीक है, यहाँ से तो निकले। आमिर हमारा गुड बॉय है, आमिर हमारा गुड बॉय है, हम आमिर के हाथ की चाय पियेंगे। मजाक कर रहा हूँ, कोई चाय भाई नहीं बनाता ये, सिर्फ ना पागल बनवा लो। मैं जज्बातों को कंट्रोल कर रहा हूँ, वरना पागल तो नहीं खैर, लेकिन कर लो तो ज्यादा अच्छा है। तो भाई मैं जैसे ही घर आया, फिजा तो सो रही है। ठीक, फिजा सो रही है घर में तो मैं क्या करूँगा। अच्छा मुझे बात करनी थी, जो मैंने पिछले दो व्लॉग्स किए हैं उसमें सिनेमैटिक वॉइस ओवर सब किया, यकीन करो कोई 16 से 17 घंटे लगे हैं मुझे शूट करने में, फिर उसको पीसी में ट्रांसफर करने में, फिर उसकी पीसी से एडिटिंग करने में टाइम लगता है। लेकिन आप लोग को इस तरह की व्लॉगिंग पसंद है तो मैं इस तरह की करूंगा, लेकिन 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 कुछ मैं शूट करूंगा, उनको मैं एपिसोड्स की सूरत में डालूंगा, आप लोगों ने सिर्फ वो देखना, चीज का मुझसे प्रॉमिस कर दो, फायदे में रहोगे। सीन ये होगा कि भाई एक हफ्ता होगा जिसमें हम एक डालेंगे, फिर दो दिन का गैप देके एक, फिर दो दिन का गैप देके एक, तो मतलब एक हफ्ते के तीन एपिसोड होंगे, ये डन हो गया। लेकिन वो अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ के एंड में। अभी सीन सारा ऐसा है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर देता हूँ। सो गाइस डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।